लंबी खींचतान के बाद नगर निगम शिमला के मेयर और डिप्टी मेयर के पद पर भाजपा ने फिर अपना कब्जा कर लिया है। शिमला नगर निगम के मेयर और डिप्टी मेयर पद के लिए 11 बजे के बाद चुनाव शुरू हुआ। भाजपा ने मेयर पद के लिए सत्या कौंडल और डिप्टी मेयर पद पर शैलेंद्र को प्रत्याशी बनाया। कांग्रेस ने राकेश और सुषमा को मैदान में उतारा। कल मंगलवार को कोरम अधूरा रहने के बाद मेयर और डिप्टी मेयर के चुनाव के लिए उपायुक्त कार्यालय में राजनीति गरमाई रही। शहरी विकास के निदेशक की देखरेख में होने वाले चुनाव में 32 पार्षदों ने हिस्सा लिया। समर हिल से माकपा की शैली चौहान और विकास नगर से निर्दलीय रचना ने वोटिंग में हिस्सा नहीं लिया। 34 सदस्यों वाले सदन में बीजेपी के 21 पार्षद हैं। इससे पहले नगर निगम के मेयर और डिप्टी मेयर पद के लिए चुनाव प्रक्रिया हुई है। ओकओवर में दोपहर 11 बजे के बाद पार्षदों को सीएम जयराम ठाकुर की मौजूदगी में 3 नाम बताए गए। इसमें संजोली चौक से पार्षद सत्या कौंडल, रुल्दू भट्टा के पार्षद संजीव ठाकुर और मशा ओवर वार्ड से पार्षद शैलेंद्र चौहान के नाम शामिल रहे। भाजपा की ओर से बनाई गई कमेटी के सदस्य डॉक्टर राजीव बिंदल ने ये जानकारी ओकओवर में सीएम की मौजूदगी में पार्षदों को दी। ब्यूरो रिपोर्ट, ENTV।